दोस्तों, आज मेरे पास जो सेट है वो कार्बन का सेट है। ये कार्बन टाइटेनियम जंबो है। दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये सेट ऑन नहीं हो रहा। ये देखिए, ऑन कर रहे हैं, ऑन नहीं हो रहा। ठीक है, तो मैं चार्ज में लगाता हूँ इसको। दोस्तों, कस्टमर ने मुझे ऐसे ही दिया है। बटन जो है, इसके सारे पेच वे सारे खुले हुए हैं। ठीक है, और उसका कहना है कि ये सेट मैंने दो तीन दुकानों में दिया है, लेकिन कोई भी ठीक नहीं कर पाया। एक दुकानदार ने कहा कि सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है, तो उसने सॉफ्टवेयर भी करके देखा, लेकिन ये हुआ नहीं। देखिए, ऑन हो रहा है, लेकिन मतलब कि चार्जिंग आ रहा है, एक आध बार कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा, लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा। तो आइए देखते हैं, इस फ़ोन बनेगा या नहीं बनेगा। अगर बन गया तो वीडियो अपलोड होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखते हैं कितना छेड़ा हुआ है। तो आइए इसको रिपेयरिंग करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि फ़ोन मुझे मिला है, फ़ोन के सारे पेज खुले हुए हैं। खुल भी रहा आसानी से। दोस्तों, फ़ोन का हालत तो बहुत ख़राब है। देखिए, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कोई गारंटी नहीं है। देखते हैं, आपको दिखा दे रहे हैं इसका बोर्ड। बोर्ड साफ़ सुथरा बोर्ड नहीं है। दोस्तों देखिए, यहाँ पे भी है, चार्जिंग जैक भी इसका चेंज किया हुआ है, और मुझे लग रहा है इसमें पानी वानी भी आया हुआ है। देखिए, यहाँ पे हीट मारा हुआ है। पेस्ट वेस्ट डाल के देखिए, ये RXTX मतलब सॉफ्टवेयर भी कर चुके हैं, वीबेट सप्लाई RXTX ये भी करके देख चुके हैं। तो दोस्तों, कोशिश ये करिए कि फ़ोन को पहले आप बढ़िया से देखिए कि प्रॉब्लम एक्चुअली में हो क्या सकता है। बैटरी को पहले चेक कर लेते हैं हम कि बैटरी में वोल्टेज आ रही है कि नहीं। तो बैटरी को चेक करने के लिए आप इसको बैटरी वोल्टेज 20 पे रखें और बैटरी को चेक करें। तो बैटरी को चेक करने के लिए ये देखिए दोस्तों, बैटरी में 4.2 वोल्टेज आ रहा है, इसका मतलब बैटरी मेरा ओके है। और एक बार इसको भी देख लेते हैं कि चार्जिंग मेरा कितना वोल्टेज आ रहा है। दोस्तों, चार्जिंग का भी जो वोल्टेज है वो बिल्कुल बराबर है, 4.3 है। तो ये भी बराबर है, मतलब सेट ये मेरा। अब मुझे ये देखना है कि कहाँ शॉर्टिंग है कि क्या है। शॉर्टिंग चेक करने के लिए मैंने बीप मोड पे रखा है इसको, और इस दोनों प्लस माइनस है, ये प्लस माइनस को मैं चेक करता हूँ। अगर ये शॉर्ट होगा तो बीप करेगा दोस्तों। ये बीप नहीं कर रहा, बीप नहीं कर रहा। देखिए दोस्तों, वोल्टेज भी बता रहा है, इसका मतलब ये शॉर्ट भी नहीं है फ़ोन। फिर प्रॉब्लम क्या है? तो फिर एक ही प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों, ऑन ऑफ जो बटन है, शायद इसका ये ऑन ऑफ बटन ख़राब हो। ऑन ऑफ बटन को चेक करने के लिए फ़ोन को लगा देते हैं दोस्तों, और ऑन ऑफ बटन।
देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे मुझे एक ट्रैक जो है इसका काला लग रहा है, और ये वॉल्यूम का तो नहीं, ये ग्राउंड होगा, ये ग्राउंड होगा। साइड के दो ये और ये ग्राउंड होते हैं, बाकी ये तीन प्लस माइनस वॉल्यूम के बटन होते हैं। तो एक मुझे काला लग रहा है, शायद यहाँ से तो प्रॉब्लम नहीं है। देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो दोस्तों इसको मैं लगा देता हूँ, मतलब मेरा बैटरी ठीक है, फ़ोन में शॉर्टिंग नहीं है, चार्जिंग भी ठीक हो रहा है, तो प्रॉब्लम हो कहाँ रहा से रहा है, ये ऑन क्यों नहीं हो रहा। एक बार फिर से हम इसको ऑन करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये ऑन नहीं हो रहा, ये देखिए मैं आपके सामने बटन प्रेस कर रहा हूँ, ऑन नहीं हो रहा। तो सिंपली मैं यहाँ पे ये जो ऑन ऑफ का होता है, ये जो ऑन ऑफ की का जो ट्रैक है, ये यहाँ से मैं इसको शॉर्ट करके देखता हूँ, शायद ये हो जाए। ये देखिए वाइब्रेट किया फ़ोन मेरा वाइब्रेट किया है। ये देखिए दोस्तों, सेट मेरा ऑन हो गया है। इसका मतलब ये है कि इसका जो बटन है वो ख़राब है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए एक बार और करके दिखाते हैं। इसका मतलब बटन ख़राब है, तो बटन ख़राब है, ऑन ऑफ बटन ख़राब है, तो आप इसको यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं। तो ये देखिए ये पे PWF लिखा हुआ है, पावर की और ग्राउंड। तो पावर की ग्राउंड को अगर हम शॉर्ट करते हैं तो ये ऑन हो जाएगा। ये देखिए मेरा शॉर्ट ऑन हो रहा है, इसका मतलब ये मेरा बटन ख़राब है। तो दोस्तों इसमें कुछ करना नहीं है, कुछ नहीं है। दो दुकान तीन दुकान से फ़ोन घूम के आया, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि लोग कैसे रिपेयर कर रहे हैं, आजकल ध्यान नहीं दे रहे। तो आपको कुछ नहीं, बस सेट को देखना है ध्यान से दोस्तों, कि इसमें प्रॉब्लम हो कहाँ से सकती है। मेरा फ़ोन ऑन हो रहा था, ठीक है, सिर्फ चार्जिंग में ऑन हो रहा था, मतलब पावर की से ही प्रॉब्लम है। तो मैंने बस उसी को देखा है, और देखिए ऑन हो रहा है। मेरे टीचर जो थे वो मुझे बस एक ही बात बताते थे कि जो बंदा फ़ोन खोलने सीख गया, समझ लो वो रिपेयरिंग का आधा काम सीख गया। तो दोस्तों ध्यान दें आप काम पे, कि कहाँ से क्या हो रहा है। मतलब पानी का एक बूंद भी कभी कभी फ़ोन ऑन होता है या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आप ध्यान दें कि कहीं कुछ वाटर डैमेज ना हो, या फिर कोई रेजिस्टेंस टूटा हुआ ना हो, या फिर कोई डायोड नहीं टूटा हुआ, बस इसी को ध्यान दें और कोई भी फ़ोन रिपेयर हो जाएगा। आप मतलब अकबकाएं ना कोई भी सेट को। ये देखिए मेरा सेट ओके हो गया है, पावर की मेरा काम नहीं कर रहा। तो वो तो मैं लास्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाया था कि पावर की कैसे रिपेयर करते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो में दे दूंगा। तो मेरा सेट ओके हो गया है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। और एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों, अगर लास्ट वीडियो में मैंने जियो फ़ोन डेड सोल्यूशन किया था, उस वीडियो में मैंने आधा ही वीडियो डाला है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम की वजह से मेरा वीडियो मैं पूरा अपलोड नहीं कर पाया। तो उसके लिए सॉरी, और ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।